बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गरज चमक के शदीद तूफ़ान मुल्क के बालाई वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में तश्कील पाना शुरू हो चुके। आने वाले चंद घंटों के दौरान इन मगरबी सिलसिले के तूफ़ानों में मज़ीद इजाफा होगा और ये फैलकर पंजाब के जनूबी वस्ती इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों, बाज़ मकामात पर आंधी का सबब बनेंगे। तफसीलात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला अगले 4 रोज़ तक ज़बरदस्त तरीके से जारी रहेगा। सबसे ज़्यादा बारिशें पंजाब के बालाई, शुमाल मशरकी वस्ती इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में होंगी। बलूचिस्तान के भी ज़्यादातर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें जारी रहेंगी, इसलिए किसान दोस्त आज से अपनी कमर कस लें। तफसीलात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मरियावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिताबोटवार, अटक, चकवाल, जेहलम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजार, डेरा गाजी खान, लिया, बकर, मुल्तान, खानेपुर, बहावल नगर, बहावलपुर समेत बालाई वस्ती और जनूबी पंजाब के बहुत से इलाकों, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों और क्वेटा समेत बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में वक्फे वक्फे से ज़बरदस्त से तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। इस दौरान सखर, लाड़काना, जकवाबाद, किशमोर, कंबर, शहदाद, कोट, जाम शोरो और कराची समेत सिंध की सहली पट्टी पर भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। बारिशों का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से अगले 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेंगे, जिसकी वजह से दर्जात में काफ़ी हद तक कमी और सर्दी वापस लौटने का इम्कान है। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ, अल्लाह हाफिज़।